आई दोस्तों, गुड मॉर्निंग हो चुकी है भाई सुबह, और हम लोग निकल के आ गए भाई घर से, और अभी सेनवा में रुके, चाय पानी पी लेते भाई, उसके बाद आगे चलते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका भाई विक्की, और स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल विक्की ट्रकिंग ब्लॉग में आप सभी का, और करते भाई इस वाले ब्लॉग को यहीं से कंटिन्यू। गाड़ी भाई अपनी ये रही, और हम लोग रुके भाई सेनवा, चलते भाई पीछे है चाय वाला, तो चाय पियेंगे उसके बाद में चलेंगे। मुकेश भाई वाली 85 भी आ गई, ये भी वापी में थी ना उस दिन, ये भी जा रहे हैं, कहाँ कहाँ माल है पता नहीं, पूछते हैं अपनी गाड़ी के एक दिन बाद में लोड हुई इनकी गाड़ी। क्या मोनू भाई, क्या हाल है? बढ़िया, मैं तो इंदौर, तुम्हारा कहाँ कहाँ माल है? सनावत का माल है, साथ में कौन है? अकेले ही। ये लोग भी चिखली में खाली कर दिए थे, और हमारे भी चिखली में खाली हुई थी, ये गाड़ी आई थी एक दिन बाद में, और अपनी गाड़ी एक दिन पहले, तो एक दिन पहले अपनी लोड होके आ गई थी, और ये रुक गए थे वापी में साथ में ही थे हम लोग। आप लोगों ने पीछे वाला ब्लॉग देखा होगा ना, तब लोगों को पता ही होगा। बाकी इनका माल है सनावत का, अपना माल है इंदौर का, और अपने साथ में कोई नहीं है आज, अनिल भाई भी छुट्टी पे गेहूँ काट रहे, फूफा जी का एक दो दिन का काम बचा हुआ है घर का, और मैं जा रहा है अकेला, और साथ में जो है अपने दादाजी है, तो दादाजी को ऐसे ही ले लिया भाई, काम वाम तो कुछ कराना नहीं है दादाजी से, दादाजी केवल घूमने के हिसाब से आ रहे अपने साथ में, और बस साइड वाइड बता देंगे बस उतना ही बहुत, वैसे तो साइड दिखाने की जरूरत नहीं, अकेले ही चला लेते गाड़ी तो, क्यों मोनू भाई? ये छोटी गाड़ी जैसी 30-15 गाड़ी जो है ना, इसका शो ऊपर है तो साइड बढ़िया से दिख जाती है इन गाड़ियों में, तो चलो कोई नहीं, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए भाई निकलते हैं यहाँ से। भाई निकल ही रहे थे लेकिन अपने कृष्णा भाई आ गए, तो भाई से मिलो, और कृष्णा भाई क्या हाल है? बढ़िया भाई, बढ़िया। और 20K के लिए आपको बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू भाई, बस आप लोगों का प्यार और सपोर्ट है, बिंदास है। हाँ, आप ही लोगों की वजह से 20K कंप्लीट हुआ है अपना, आज 20,000 लोग अपने को पहचानते, ये आप लोगों का प्यार और सपोर्ट है, और हमारी मेहनत थी भाई, तो आज 20,000 पूरे हो गए, तो करते कृष्णा भाई को भी बाय, और हम भी निकलेंगे, क्योंकि भाई हमको चाय पीना था, रुके थे, और कृष्णा भाई को चाय पिलाने के लिए बोला, तो कृष्णा भाई बोल रहे हैं कि भाई मैं कंप्लीट होके आया हूँ अभी जस्ट घर से, बोले तो कृष्णा भाई चाय नहीं पी रहे, तो ठीक है कृष्णा भाई फिर मिलेंगे, चलते हैं हम लोग भी, एक दिन खाना खाएंगे बैठ के। बिल्कुल अभी है ना 50K का जब केक काटेंगे ना, तो साथ में सब बैठेंगे, और कल तो मैंने बोल नहीं पाया आपको भी, क्यों कोई बात नहीं, चलता रहता है, जल्दी में था थोड़ा सा, हाँ कल के थोड़ा सा टेंशन में था, वो कार्ड जो था ना मेरे डीजल वाला हुआ उसी के चक्कर में, वो सेनवा आया था मैं उसके चक्कर में, नहीं हुआ यार, वो कार्ड अभी पड़ा हुआ है, ये रहा डीजल वाला कार्ड है, 14,000 रूपए इसमें है, अभी भी ये 14,000 अटके हुए अपने, और 3,000 सामने मिलने वाले थे वो भी नहीं मिलेंगे, ये माल खाली करूंगा 3,000 वहां मिलेंगे, तो अब वो वापी वाले का फोन आया था, बोले ये 14,000 का कार्ड भी लेके आना, और जो मैंने पोस्ट दी है 3,000 की वो भी वापस लेके आना, तो आपके 17,000 रूपए वापी में मिलेंगे, बोले तब 17,000 पूरे अटके पड़े हुए भाई, क्या भी बोले, तो यही टेंशन में कल था ना, उसके चक्कर में किसी को बोल भी नहीं पाया, और इसके चक्कर में सबसे पहले काम इसका करा, उसके बाद में केक लिया फिर टाइम ही हो गया था, और पानी भी आ गया था फिर शाम को, तो केक काटा हमने और पानी आ गया भाई, हाँ फिर तिरपाल डाली थी जैसे तैसे, फिर वापस खोली ऊपर से, फिर वापस तिरपाल निकाली, तो चलो कोई नहीं निकलते भाई। दोस्तों पहुंचने वाले हैं सेनवा बॉर्डर, और देखते भाई जाम लगा होगा कि नहीं लगा होगा, मेरे हिसाब से तो जाम लगा ही होगा, लगा है भाई, बहुत भयंकर वाला जाम लगा है, आधा किलोमीटर लंबा जाम है भाई, गाड़ी कहाँ पे लगाए, सबसे लास्ट वाली लाइन में लगा लेते हैं, इसमें क्या है गाड़ियां रगड़ रुगड़ नहीं करेंगे, कोई शीशे कांच नहीं फोड़ेंगे, साइड ग्लास नहीं फोड़ेंगे भाई, लास्ट वाली में लगाओ, नो टेंशन। जाम तो खतरनाक लग गया भाई, लंबी लाइन देखो, उधर वाला रोड भी ब्लॉक हो गया, देख सकते हो ये पूरा रोड ब्लॉक हो गया, और अपने कलाम वलाम भी खिंचवा लेते भाई, रोड ही ब्लॉक हो गया इस साइड में, देख सकते हो कलाम खिंचवा लेते हैं, चाचा आए हैं कलाम पीछे के खींच लेते हैं, चाचा अच्छा खींचना जरा, है ना टाइट बिल्कुल, पीछे पीछे के कलाम खिंचवा लिए, आगे के तो डबल नट चढ़े हुए तो वो ढीले भी नहीं होते, तो देते 50 रूपए चाचा को, लो चाचा, ठीक है चाचा, पीछे पीछे करवाए ना तो 50 रूपए लगे भाई,
तो चलो वेट करते हैं कब तक जाम खुलता है भाई। निकल आए दोस्तों बॉर्डर से, एक घंटा टूट गया हमारा बॉर्डर बॉर्डर पे। भाई ये गाड़ी का देख रहे हो, पीछे का भत्ता भी टूट गया और गाड़ी पूरी तिरछी हो गई भाई, देख रहे हो। ये भत्ता टूटने की वजह से माल तिरछा हुआ तो गाड़ी पूरी तिरछी हो गई भाई। रहे हैं दोस्तों मानपुर घाट और सामने गाड़ी एक्सीडेंट हो रखा भाई, अगले व्हील जो है ना, अगली धड़ी नीचे बैठ गई पूरी कमानी सहित, देख रहे हो। इस घाट पे जब भी आप लोग उतरो, चढ़े में तो आराम से चढ़ जाती है गाड़ी, आराम से चढ़ो, लेकिन उतरते टाइम है ना दोस्तों, आराम से उतारो गाड़ी को बड़े गियरों में, जल्दी बिल्कुल नहीं करना चाहिए इस घाट पे, क्योंकि इस घाट पे आए दिन एक्सीडेंट होते हैं भाई, आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। कितना भी अर्जेंट माल हो, टाइमिंग का माल क्यों नहीं हो, फिर भी कोई सा भी घाट हो आराम से उतरो। और दोस्तों इस घाट को तो बिल्कुल आराम से, देखो एक एक्सीडेंट इधर भी हुआ था, ये गाड़ी पड़ी हुई नीचे, उसका चेचिस वो पड़ा है और बाड़ी उधर पड़ी हुई, देख रहे हो। यहाँ गाड़ी जल गई थी, ये डेढ़ दो महीने पहले हुआ था ये एक्सीडेंट, ये पड़ी भाई, चेचिस पड़ा हुआ है, बाड़ी आगे पड़ी हुई है, पूरी गाड़ी जल के भस्म हो चुकी है भाई। रुके हैं दोस्तों मानपुर और दादाजी को भूख लगी है तो कुछ नाश्ता लेके आता हूँ यार। दो पोहे ले आया, एक कचौरी ले आया दोस्तों, तो करते हैं भाई नाश्ता फिर निकलेंगे आगे के लिए। नाश्ता कर ही रहे थे, इधर भाई आए हैं, भाई से मिलो, क्या नाम भाई? दिनेश भाई मकवाने। दिनेश भाई मकवाने, एक बार मिले थे हम मंडलेश्वर में। हाँ, भाई की गाड़ी वो उधर सामने खड़ी है, हाय सर। और भाई ने गाड़ी देखी अपनी और आ गए भाई मिलने के लिए। और भाई बढ़िया ना, चलो भाई से करते बातें और भाई को बोलते हैं नाश्ता करने के लिए, चलो नाश्ता करके आते हैं यार। करो नाश्ता में जाऊँ, गाड़ी खाली करना है मेरे को आज। हाँ गाड़ी खाली नहीं हुई। सरिये भर के आए? सरिये भर के, पीतमपुर वही रास्ता। पीतमपुर से, चलो बढ़िया है फिर तो, नाश्ता नहीं कर रहे फिर? आप करो चलो ठीक है, ठीक है मिलते फिर भाई, है ना। पहुंच गए दोस्तों इंदौर और अपने को खाली करने सेंटर पॉइंट जाना है देवास नाके के आगे, और समथिंग यहाँ से 30 किलोमीटर और चलना अपने को। ये आ गया दोस्तों अपना ARC ट्रांसपोर्ट, तो यही गाड़ी अपनी खाली होगी। अब गेट कौन सा है, यहाँ तो पूरा रोड बन रहा है यार, ये सामने दिख रहा है ना बड़ा सा गोडाउन, यहीं पे खाली होगी अपनी गाड़ी। ये रहा गेट, लेते भाई गाड़ी अंदर। चलान दो? ठीक है देता हूँ, आगे लगा के आ जाओ। चलो भाई गेट पे एंट्री करना पड़ेगा। एंट्री भी हो गई दोस्तों और 9 नंबर गेट पे लगाना बोला है, तो आगे लेके चलते हैं 9 नंबर पे। ये तो एक नंबर है, 9 नंबर शायद लास्ट में होगा उधर। लगा दिया दोस्तों 9 नंबर पे, ये रहा 9 नंबर, तिरपाल हटा देते हैं अंदर से। फाइनली दोस्तों रास्ता तिरपाल वगैरह जो भी था सब खोल दिया और गाड़ी अपनी खाली होने लग गई भाई, देख सकते हो खाली हो रही है। बस ये 2-2 लीटर के ड्रम है और बस ऊपर का जो माल है वो क्रेन का है, तो क्रेन से उतरेगा, अभी देखते हैं कैसे उतारते ये लोग भी। क्रेन से उतरेगा ना ऊपर वाला माल, तो ऊपर वाला माल क्रेन से उतरेगा। चलो ठीक है, करते भाई खाली गाड़ी अपनी,
दोस्तों गाड़ी तो खाली हो गई, पोच वोच भी ले ली मैंने और चलते गाड़ी में। और आपको बताता हूँ भाई, ये डीजल का है ना थोड़ा लपड़ा हुआ है अपना, डीजल पर्ची का और क्या बोलते हैं पोच का, तो ये यही मिल जाता भाड़ा वगैरह। लेकिन मैं चलता हूँ गाड़ी में, आप लोगों को बताता हूँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। क्या था दोस्तों, 14,000 का डीजल मुझे वापिस दिया था डालने के लिए, जो है कि ये कार्ड दिया था, मैंने पीछे वाले ब्लॉग में बताया है 14,000 का कार्ड दिया था अपने को, देख सकते हैं ये 14,000 लिखा है, लेकिन ये कार्ड ब्लॉक है। इसी चक्कर में डीजल अपने को डल नहीं पाया, 14,000 तो ये अटक गए और 3,000 रुपए अपने को ये पोच यहाँ जमा करते, गाड़ी जैसे खाली हो गई, अब 3,000 रुपए यहाँ पे मिलते अपने को, तो वो 3,000 वो भी नहीं मिले, कितने हो गए 17,000 रुपए अपने अभी अटके पड़े है भाई। तो ये जो चिट्ठी है ना, ये दोनों, एक तो भाड़ा भाड़ा चालान बोलते है इसको एक को, और एक को पोच बोलते है, और एक ये है डीजल कार्ड जो है कि इंडियन ऑयल का है, एक्स्ट्रा पावर इंडियन ऑयल। ये तीनों चीजों को वापी में जमा करेंगे और तब अपने खाते में पेमेंट डालेंगे भाई 17,000 रुपए वो, तब तक है ना अपने जेब से चलाओ गाड़ी को। तो ऐसा है कभी कभी फंस भी जाते भाई, और क्या कर सकते हैं। और अभी गाड़ी अपनी लोडिंग करना है, और कहाँ की लोडिंग कर रहे हैं वो आप लोगों को अगले वाले ब्लॉग में पता चल जाएगा, बस यही 1-2 किलोमीटर नजदीक से लोडिंग करना है। तो बस गाड़ी तो खाली हो गई, अब चलते है गाड़ी लोड करने के लिए। इसी के साथ में आज वाले ब्लॉग को रखते दोस्तों यहीं तक, और मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए करते भाई आप लोगों को टाटा बाय बाय।